नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल के अपने इस समागम पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। अब एक दो दिन में अपने डिस्क्रिप्शन में प्रश्न भी पीडीएफ जो है वो भी तैयार हो रही है, वो भी आपकी डाल दी जाएगी। लाइव में थोड़ी समस्या आ रही है चैनल में, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, इतना ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। कल तक ये चेक करवाते हैं, फिर बाद में अपने लाइव भी मिलते रहेंगे, ये सही हो जाए एक बार। अपने जो चर्चा चल रही थी राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में, हमने राजस्थान को चार भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित कर लिया था और चारों जो भौगोलिक प्रदेश थे इनको वर्षा के आधार पर, या मैं कहूँ जलवायु के आधार पर, पांच प्रकार के जलवायु प्रदेशों में हमने विभाजित किया था। शुष्क जलवायु थी, अर्ध शुष्क जलवायु थी, उपार्द्र जलवायु थी, आर्द्र जलवायु थी और अति आर्द्र जलवायु थी। ये पांच प्रकार हमने देखे थे। तो देखें, सबसे पहले अपने चर्चा करें इन चार जो भौगोलिक प्रदेश देखे। इन चारों भौगोलिक प्रदेशों का पहला भाग अपने आता है पश्चिम का रेतीला मैदान या पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान। देखें, इन चारों भौगोलिक प्रदेशों में सबसे पहले अपनी जो चर्चा चल रही है पश्चिम के रेतीले मैदान के बारे में। देखें, पश्चिम के रेतीले मैदान के बारे में हमने देखा था कि परमोकार्बोनिफेरस काल में, हमने पीछे चर्चा की थी कि परमोकार्बोनिफेरस काल जो था, इस परमोकार्बोनिफेरस काल में, परमोकार्बोनिफेरस काल में अपनी जो चर्चा चल रही थी कि परमोकाल जो था इस काल में यहाँ पर समुद्र था। बाद में होता क्या है, ये जो समुद्री क्षेत्र जो था ना, धीरे धीरे जुरेसिक काल की बात करें, क्रिटेशियस काल की बात करें, या क्रिटेशियस काल के बाद में अपने यूसीन काल की बात करें, तो यहाँ पर ये समुद्री क्षेत्र जो था वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठना प्रारंभ कर देता है। और ये क्षेत्र ऊपर उठ करके एक रेतीले मैदान का रूप जो था वो धारण कर लेता है। देखें, परमोकार्बोनिफेरस काल में हमने देखा समुद्र था और फिर बाद में इसने क्या किया, एक रेतीले मैदान का रूप धारण कर लिया था। तो ये रेतीला मैदान जो था अपना, इस रेतीले मैदान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखें, कुल क्षेत्रफल की बात जब हम कर रहे हैं, इसके सबसे पहली बात अपने कर रहे हैं कि ये जो रेतीला मैदान है ये आपका कुल 209,000 वर्ग किलोमीटर भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में फैला हुआ है, 209,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और पूर्ण मरुस्थलीय जो इसका भाग है, पूर्ण मरुस्थलीय भाग इसका आता है 175,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। पूर्ण मरुस्थलीय भाग जो इसका 175,000 वर्ग किलोमीटर के भाग में फैला हुआ है। देखें, इसके बाद में और चर्चा करें, ये जो पश्चिम का रेतीला मैदान है, इस पश्चिम के रेतीले मैदान की जब हम चर्चा करें, ये क्षेत्र है यहाँ पर मैप में जब हम देखें तो ये पश्चिम का रेतीला मैदान यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या मैं कहूँ उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, या मैं कहूँ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक की जब हम चर्चा करें, तो इस पश्चिम के रेतीले मैदान में हमने देखा कि इसकी कुल लंबाई और चौड़ाई जो थी, ये पश्चिम का रेतीला मैदान आपका यहाँ से लेकर के 640 किलोमीटर लंबा है। कितनी लंबाई है इसकी, 640 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें, इस पश्चिम के रेतीले मैदान की चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर चौड़ा है ये पश्चिम का रेतीला मैदान। और ऊंचाई की बात करें तो 200 से 300 मीटर ऊंचा है ये पश्चिम का रेतीला मैदान। ऊंचाई इसकी देखें तो ये आपकी आ जाती है 200 से 300, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, 200 से 300 किलोमीटर ऊंचा है, 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये चर्चा अपनी चल रही है। तो देखें, ये पश्चिम का रेतीला मैदान अपने जो चर्चा चल रही है, 175,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये आपका फैला हुआ है और लंबाई इसकी 640 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर है और ऊंचाई इसकी है 200 से 300 मीटर ऊंचा है ये। इसके बाद में चर्चा करें, देखें वर्षा के आधार पर या जलवायु के आधार पर इस पश्चिम के रेतीले मैदान को हमने दो भागों में विभाजित कर लिया था। पहला भाग इसमें हमने देखा था
आ रहा था अपना शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा आ रहा है? पहला भाग शुष्क जलवायु प्रदेश, और दूसरा भाग अपना इसमें आ रहा था अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यानी हमने देखा था कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यहां पर हमने देखी थी एक, कि ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी, ये जो अपनी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी, ये पश्चिम के रेतले मैदान को दो भागों में विभाजित कर रही है। ये आपकी थी 25 सेंटीमीटर, तो ये अपना भाग जो था वो तो हो गया था शुष्क जलवायु प्रदेश, और ये अपना भाग जो था वो हो गया था अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यही चर्चा थी अपनी। तो देखें, ये जो शुष्क जलवायु प्रदेश है, ये अपना हमें मिल रहा है 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में, और जब हम अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें, ये अपना है 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखाओं के बीच का क्षेत्र, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का क्षेत्र है। तो देखें, शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब अपने देखें कि ये जो शुष्क जलवायु प्रदेश है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इस शुष्क जलवायु प्रदेश को अपने फिर से आगे दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जो रहेगा वो अपना आगे चार भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो देखें, शुष्क जलवायु प्रदेश की जब हम बात करें, इस प्रदेश को हमने आगे फिर से विभाजित कर दिया दो भागों में, और ये जो दो भाग इसके रहेंगे, पहला भाग इसका आ जाएगा आपका नंबर एक पे बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त, यानी इसमें रेत के टीले है, ये आपका जो क्षेत्र है वो रेत के टीलों वाला है। दूसरी चर्चा करें बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, इसमें रेत के टीले नहीं है, ये तो चट्टानी क्षेत्र है, और ये जो चट्टाने कब बनी, कैसे बनी, इनकी चर्चा भी अपने करेंगे। तो पहले देखें, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जो है, ये कुल क्षेत्रफल का 58 पॉइंट, देखें ये कुल क्षेत्र का 58.5% भूभाग पर फैला हुआ है ये। और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश ये आपका 41.5% भूभाग पर फैला हुआ क्षेत्र है, ये आपका 58.5% पे है, और ये आपका 41.5% भूभाग पर फैला हुआ क्षेत्र है। तो देखें, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं, तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में हमें देखना है कि ये नाम इसका क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में, ये जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, इस प्रदेश में अपने प्रमुख रूप से रेत के टीले हैं, और ये जो रेत के टीले हैं, हवा के कटाव के कारण इन रेत के टीलों ने अलग अलग आकार धारण कर लिया। और कौन कौन से आकार के बालुका स्तूप जो है वो किस नाम से जाने गए, भूगोलवेताओं ने इनको क्या क्या नाम दिए, इसकी चर्चा जब हम करें, तो सबसे पहले देखें बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में नंबर एक पे अपने जो बालुका स्तूप आता है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अगर अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की बात करें, अंग्रेजी में इनको कहते हैं ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स या ट्रांसवर्स ड्यून्स। तो देखें, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो होते हैं, ये आपके होते हैं हवा की दिशा के समकोण बनने वाले बालुका स्तूप, हवा की दिशा के समकोण बनने वाले बालुका स्तूप, या ये जो बालुका स्तूप होंगे वो खड़े हुए आकृति में होंगे, एकदम खड़ी हुई आकृति होगी इन बालुका स्तूपों की। तो एक तरफ से जब हम देखें तो हमें ऐसे लगता है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, कौन बन रहा होगा, इसलिए इन बालुका स्तूपों को हम क्या कह रहे हैं, हवा की दिशा के समकोण बालुका स्तूप। दो नंबर पे हम देखें अपने आ जाता है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स कहते हैं। ये होते हैं हवा की दिशा के समानांतर बालुका स्तूप होते हैं मित्रों। ये
ये आपके जो बालू का स्तूप होंगे वो हवा की दिशा के समानांतर बालू का स्तूप होंगे, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं इनको। तीन नंबर पे अपने बात करें बरखान बालू का स्तूपों की, बरखान बालू का स्तूप या बरखान बालू का स्तूप को हम कह सकते हैं प्याले नुमा बालू का स्तूप, या इनको कह सकते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, या हम कह सकते हैं हाफ मून ड्यून्स, अर्धचंद्राकार हाफ मून शेप, आधे चांद की भांति ये बालू का स्तूप हमें दिखाई देता है, या प्याले के आकार के बालू का स्तूप होते हैं ये, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है ये आपका, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, या आधे चांद के समान ऐसे प्रतीत होते हैं देखने पर। ये अपने कौन से बालू का स्तूप हो गए, अर्धचंद्राकार या बरखान बालू का स्तूप। चार नंबर पे मैं यहाँ पर चर्चा करूँ अपनी, तो यहाँ पर अपनी चर्चा रहती है स्टारबोलिक या तारा प्रकार के बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स। तारा प्रकार के बालू का स्तूपों की बात करें तो बहुत सारे बालू का स्तूप जो है वो मिलेंगे, और ये सारे बालू का स्तूप मिलकर के क्या करेंगे, तारे के समान आकृति धारण कर लेंगे, और ये तारे के समान इनकी जो आकृति बनेगी ये आपके होंगे तारा प्रकार के बालू का स्तूप। एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ तारा प्रकार के बालू का स्तूपों के बारे में। देखें तारा प्रकार के जो बालू का स्तूप है इनकी खोज की थी भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा खोजे गए बालू का स्तूप है तारा प्रकार के। बहुत सारे रेत के टीले मिलते हैं और फिर तारे के समान आकृति जो है वो धारण कर लेते हैं। दूसरी बात, ये हमें प्रमुख रूप से मिलते कहाँ पर है, ये हमें मिलते हैं सूरतगढ़ गंगानगर में, ये हमें मिलते हैं पोकरण जैसलमेर में, और ये हमें मिलते हैं मोहनगढ़ जैसलमेर में। इन तीन स्थानों पर प्रमुख रूप से हमें तारा प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। इसके बाद में बात करें पाँच नंबर पे और सबसे प्रमुख बालू का स्तूप माने जाते हैं पैराबोलिक या पैराशेप, पैराबोलिक बालू का स्तूप है अपने। और ये जो पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं ये होते हैं हेयर बैंड के समान, लड़कियों का सिर में डालने वाला जो पट्टा होता है हेयर बैंड, या इसको हम कहते हैं यू आकार के बालू का स्तूप, अंग्रेजी के यू के समान बालू का स्तूप या पैराबोलिक बालू का स्तूप ये कहलाते हैं अपने। बात समझ में आ रही होगी आपके। देखें राजस्थान में हमें कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन से बालू का स्तूप है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संख्या में जो बालू का स्तूप हमें मिलते हैं वो अपने पैरा प्रकार के बालू का स्तूप जो वो संख्या में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद में आगे की ओर चर्चा करें कौन कौन से और बालू का स्तूप है। तो देखें यहाँ पर हम चर्चा करें तो अपने बालू का स्तूप आ जाते हैं सब्र काफीज बालू का स्तूप, सब्र काफीज बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप जो होते हैं ये झाड़ियों के आसपास बनने वाले बालू का स्तूप रहते हैं। सब्र काफीज जो बालू का स्तूप है वो झाड़ियों के आसपास बनते हैं, ठीक है, झाड़ियों की जड़ों के आसपास बनने वाले बालू का स्तूप है। इसके बाद में बात करें नेटवर्क बालू का स्तूपों की, नेटवर्क बालू का स्तूप ये अपने मिलते हैं साथियों राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर बनने वाले बालू का स्तूप है। ये राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती बालू का स्तूप है, जमाव वाले बालू का स्तूप होते हैं। देखें नेटवर्क बालू का स्तूप जो है वो जमाव वाले बालू का स्तूप है। एक और विशेष बात मैं आपको इन बालू का स्तूपों की बता देता हूँ। देखें ये जो बालू का स्तूप अपने रहते हैं ये गोलाकार में गोलाकार आकृति धारण करते हैं, गोल आकृति रहते हैं। और एक और विशेष बात अगर हम इनकी देखें नेटवर्क बालू का स्तूपों की, तो देखें इनकी एक विशेष बात ये भी रहती है कि ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये जमाव वाले बालू का स्तूप है, ठीक है ना। अगर इनके इन बालू का स्तूपों के ऊपर घूम रहे हैं कोई, चल रहे हैं, तो ऐसे प्रतीत नहीं होता कि रेत के टीलों पर, क्यों, वहाँ पर मरुस्थल का समापन का एक दौर चलता है। इसके बाद में अपने देखें रेखीय बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप। देखें ये जो बालू का स्तूप रहते हैं वो अंग्रेजी के वाई के समान बालू का स्तूप है, ये अंग्रेजी के वाई के समान बालू का स्तूप है। ये ऐसे प्रतीत होता है कि अंग्रेजी के का वाई अक्षर जो है वो हमें दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना। और इन बालू का स्तूपों की बात करके
आगे वाला बालू का स्तूप जब हम देखें तो वो अपना आ जाता है सिर्फ बालू का स्तूप, और सिर्फ बालू का स्तूप जो है ना इसको रेखीय बालू का स्तूप का भाग माना गया है। भाग क्यों माना गया रेखीय बालू का स्तूप का, देखें रेखीय बालू का स्तूप का भाग सिर्फ बालू का स्तूप को इसलिए माना गया है क्योंकि रेखीय बालू का स्तूप की जब कोई एक भुजा नष्ट हो जाए, ये जो रेखीय बालू का स्तूप है इसकी कोई एक भुजा नष्ट हो जाए तो बची हुई जो आकृति होगी वो कौन सा बालू का स्तूप कहलाएगी अपनी, वो कहलाएगी अपनी सिर्फ बालू का स्तूप। बात समझ में आपके आ गई होगी मेरे हिसाब से। देखें हमने देखा है पश्चिम का रेतीला मैदान, हमने देखा है कि परमो कार्बोनिफेरस काल में यहाँ पर समुद्र था, जो धीरे धीरे जुरैसिक काल की बात करें, यूसीन काल की बात करें या क्रिटेशियस काल की बात करें तो यहाँ पर ये समुद्र नीचे चला गया और यहाँ पर मिट्टी का जो भाग था वो ऊपर आ गया था। इसके बाद में क्या होता है, हमने देखा है पश्चिम का रेतीला मैदान जो है वो 209,000 वर्ग किलोमीटर में है, इसमें से पूर्ण मरुस्थलीय जो है वो 175,000 है। पश्चिम के रेतीले मैदान में हमने देखा है कि इसकी चौड़ाई लंबाई जो है 640 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 300 किलोमीटर है और यह 200 से 300 मीटर ऊंचा है। इसके बाद में अपने चर्चा करें पश्चिम के रेतीले मैदान को हमने डिवाइड किया है दो भागों में, शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश को हमने फिर से आगे दो भागों में विभाजित कर लिया, एक भाग अपना बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, दूसरा भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो है वो आपका 58.5% क्षेत्र में फैला हुआ है और मुक्त प्रदेश जो है वो आपका 41.5% में फैला हुआ है। इसके बाद में हमने देखा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हवा की दिशा के समकोण, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हवा की दिशा के समानांतर, बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार है, तारा प्रकार के बालू का स्तूप तारे के समान है, ठीक है ना, तारा प्रकार का जो बालू का स्तूप है वो तारे के समान आकृति धारण कर लेता है। और हमने इसमें देखा है कि ये बालू का स्तूप आपका पोकरण, मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में, गंगानगर, पोकरण और मोहनगढ़ आपके जैसलमेर जिले में है और सूरतगढ़ आपका गंगानगर जिले में है, ठीक है। हमें यह भी पूछा जा सकता है कि तारा प्रकार के बालू का स्तूप जो है खोज किसके द्वारा की गई, या फिर हमें पूछे कि तारा प्रकार के जो बालू का स्तूप है, तारा प्रकार के बालू का स्तूपों की जब हम बात करें कि तारा प्रकार के जो बालू का स्तूप है कौन सी नदी के आसपास मिलते हैं, तो गगर नदी के आसपास के क्षेत्र में तारा प्रकार के बालू का स्तूप हमें मिलते हैं। पैराबोलिक हेयर बैंड या यू के समान होते हैं अंग्रेजी के, सब्र काफी झाड़ियों के आसपास बनते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती बालू का स्तूप है। रेखीय बालू का स्तूप अंग्रेजी के वाई के समान होते हैं, ऐसे होते हैं अंग्रेजी के वाई के समान। और जब इन बालू का स्तूपों की कोई एक भुजा काट दें तो बची हुई आकृति जो होगी होगी कौन सा बालू का स्तूप कहलाएगी, वो सिर्फ बालू का स्तूप ये कहलाएगी। बात समझ में आ रही होगी, ये जो बची हुई आपकी आकृति जो होगी वो क्या कहलाएगी, सिर्फ बालू का स्तूप कहलाएगी। यहां तक की बात के बाद में आगे अपने चर्चा करें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखें जब हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की चर्चा करें तो ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ये आपका है चट्टानी क्षेत्र। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो चट्टानी क्षेत्र है और इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को देखें, यहां पर बता देता हूं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखें ये बालू का स्तूप आपका मुक्त प्रदेश जो है टर्शियरी काल में बनना प्रारंभ हुआ था, टर्शियरी काल से प्लिस्टोसीन काल तक बना, टर्शियरी से प्लिस्टोसीन काल तक बना, लेकिन इसकी एक विशेषता ये रहती है कि यहां पर ये जो क्षेत्र है चट्टानी जो क्षेत्र है यहां पर टर्शियरी काल और प्लिस्टोसीन काल की अपेक्षा ज्यादा फॉसिल्स, ज्यादा अवशेष जो हमें मिलते हैं वो ना तो टर्शियरी के मिल रहे हैं ना प्लिस्टोसीन के मिल रहे हैं, यहां पर ज्यादा अवशेष हमें मिलेंगे जुरैसिक काल के। कौन से काल के मिलते हैं ज्यादा अवशेष, यहां पर जुरैसिक काल के मिलते हैं। और ये जो अवशेष हमें मिलते हैं पोकरण में, कहां पर, पोकरण,
कहाँ पर? फलोदी, फलोदी में, और शिवाना में, शिवाना बाड़मेर में। पोकरण जैसलमेर में है, फलोदी जोधपुर में है, शिवाना बाड़मेर में है, और बालोतरा में भी, बालोतरा में भी। देखें हम यहाँ पर अगर इनको देखना चाहें तो ये हमें मिलेंगे पोकरण जैसलमेर में, ये मिलेंगे हमें फलोदी जोधपुर में, ये मिलेंगे हमें शिवाना बाड़मेर में, और ये मिलेंगे हमें बालोतरा बाड़मेर में। इन चार क्षेत्रों में ये मिलते हैं। ठीक है साथियों, एक बार कल थोड़ी और चर्चा इनके बारे में अपनी होगी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, चर्चा करेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।